OSR Digital, entertaining the nation. गरीबों की सुनो वो तुम्हारे सुनेगा, तुम एक पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। ये भाई अंधे को कुछ दे दे भाई। गरीबों की सुनो वो तुम्हारा सुनेगा, तुम एक पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो। अरे कहाँ है भाई? इंटरेस्टिंग कति रमाइल हमारे सर रमाइल वातावरण देख। आज धेरे वर्ष पीछे फिर भाग लेते यात्रा चुराए। धन्यवाद तो भगवान लाई ना जी तपला बहुत दिनों पर तो आज तपला को लापर भाई लेकर दा। हमने कोई न चढ़े को यो थर्ड क्लास को डब्बा में बसेर सब करने पर मैले कोशिश नगर को हो रहा। प्लेन को सब टिकट बुक भाई बची मेरे क्या लागता ट्रेन में अपनी फर्स्ट क्लास को तो पाइस्ते होला नी। या फर्स्ट क्लास को टिकट तो किए सेकंड क्लास को टिकट भी नहीं पाई है। किरण जिंदगी में सदैव सुख सुविधा मात्र खोज रहे हुए फिर अहिले काहीं यसरी आफ्नो भागमा परेको दुख कष्टलाई स्वीकार्नु पर्छ। यसपाली को मेरो छुट्टी को सुरुवात यस्तो काला पानी जस्तो सजायबाट सुरु हुन्छ भन्ने दाहापाको भए दाई म कडा भी तपाईसँग आउने थिन। के गर्ने राइट टु अंडरस्टैंड। ए मूंगफली है भाई, भाई ले लो भाई धुर्रे वाले मूंगफली। ए हट भाई, आगे बढ़ो आगे बढ़ो उधर पिस्ता आता है भाई। ए मूंगफली है धुर्रे वाले, इधर नहीं आगे बढ़ आगे ले लो भाई। ए मूंगफली, ए मूंगफली इधर आओ इधर आता है भाई।
देखियो तो हाल बात संग कसरी सजिले समझौता करे समझौता है ना काटता हो सुनीता गु भाई संग तो गुंद्रुक को आधार भी रहे हे त इसको पर्चेज कसले खाँच दाई तपाईलाई किरण नानी हाम्रो नेपालमा हरियो सागलाई खाएर गुंद्रुक बनाइन्छ यस भिटामिन पोषण तत्व तो सबै पाइन्छ खाँदाखेरि कस्तो मिठो हुन्छ गर्मी भयो गाने गवाया क्यों हाथ लगाता है साहब अंधा हो के दिखता है क्या अंधा कोई दिखता है क्या साहब भाई साहब बेचारा संभल के बैठिए भाई साहब आप क्या कर रहे हैं क्या है ज्यादा बोलता है बेईमान हाथ हाल चस खुकरी देखिस छपका बोला भाग जा आइए भाई साहब बैठिए बैठिए भाई साहब बैठिए बहादुर गोरखाली साले को सबक सिखा दिया आइए ना भाई साहब बैठिए बैठिए ना भाई साहब भाई एता बस प्लीज भाई तिमीले अप्रिय घटनाबाट बतायो तिम्रो नाम के वीर बहादुर कहाँ हेर्दै छ भाई तिमी काम खोजेमा राम्रै भयो यदि तिमी चाहन्छौ भने हाम्रै घरमा काम गर्न सक्छौ आओ बिरु आओ आओ ना, अरे आओ ना अप्ठ्यारो किन मान्दैछ आओ यो घर तिम्रो पनि हो यो घरको परिवारको सदस्य
तिमी पनि हो दाई ऊ को हो बीरु ना, जस्तो नाम उस्तै काम किरण नानी बीरु भाइलाई बैठक छेउको कोठामा बस्ने व्यवस्था मिलाइदिनुस् है र घरको सबै काम सम्झाइदिनु ओके हुन्छ आऊ लगेज ही राख्देऊ आऊ जाऊ 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 आ सुनील मदन यो सामानहरु मेरो कोठामा ल्याइदिनु आऊ हजुर मैले तिमीलाई यो शहर कस्तो छ भनेर सोधेकी र हाम्रो घर पनि एकदमै ठूलो छ घर त ठूलो शहर पनि ठूलो छ बाबु साहबको मन त झनै ठूलो छ बस मिलै जादा तिमीले अरु पनि यहाँ धेरै राम्रो चीज किने छौ यहाँका हरेक कुराहरु सफा र सुन्दर छन् थैंक यू धन्यवाद सहयोग मैं तिमी धन्यवाद बीरू मैं टॉयलेट बाथरूम दिशा पिशाब करने तिमी आराम कर गुड नाइट यानी कि शुभरात्रि ओके बाय बाय गुड नाइट टू शुभ रात्रि हमको धन्यवाद मेम साहब मलाई यहाँ कुनै असुविधा छैन सब आराम से तिमीलाई भान्साको काम गर्न सिकाउँछु ग्यास बाल्न र खाना बनाउन पनि सिकाउँछु ग्यास बाल्दा सधैँ ग्यास भन्दा पार बसेर बाल्नु पर्छ झ्याल ढोका पनि खुला राख्नु पर्छ नत्र पड्किने डर हुन्छ अब म तिमीलाई दाल बनाउन सिकाउँछु ल पहिला पानी हाल्ने त्यसपछि यहाँ दाल छ बट्टामा छ त्यसपछि दाल हाल्ने दाल राखिसकेपछि यसमा नुन बेसार सबै थोक छ राखिसकेपछि यसलाई हावा गर्ने स्किने गरी टम्मसँग यसरी बिर्को लगाउने तीन चिटी नलागुन्जेल चुबुलाएर बस्ने त्यसपछि दाल पाक्छ बुझ्यौ खै मै साहब पहाडमा त अङ्गेनामा दाउरा हालेर बाँसको ढुङ्ग्राले गर्दाखेरि गुन्द्रुकले ढेडो एकैछिनमा पाक्थ्यो
यहाँ तक क्यों क्यों मैं सब खाए बिस्तार समस्या की आलसों ने ला अब तिमी ले तिम्रे हाथ ले मलाई चिया बना ले रहो दूध यहाँ था चाय पत्ती नहीं यहाँ था सब्जी नहीं यहाँ था चिया बनाया रहा मेरे कोठा में ले रहो मैं कोठा पे हूँ चुहाई सने तीन सिटी बनु भाथ्यो एक सिटी भ अब अर्को दुई सिटी दुई सिटी भ मेम साहब चिया वाउ बिरु यति चाँडै तर एउटा कुरा चिया ल्याउँदाखेरि प्लेट माथि कप राखेर मात्र ल्याउनु पर्छ बुझ्यौ मैम साहब ओहो कति मिठो चिया बनाएछौ गुड गुड हैन मैम साहब चिनी हालेको गुड भनेको अंग्रेजीमा राम्रो ए तिमीले राम्रो चिया बनाएछौ भनेको ए आफूलाई त थाहा भएको कुरा पर्यो दिदी तिमी यहाँ बस्दै गएपछि सबै चिज थाहा पाउनेछौ म सिकाउँछु तिमीलाई हुन्छ अनि मैले साहब एउटा कुरा सोधौ के त भन न तपाईहरु यही जन्म मेरो हुर्किनु भयो पढ्नु भयो तर तपाईहरुको बोली सुन्दा आफ्नै गाउँघरमा सुने जस्तो लाग्छ कसरी मैले आश्चर्य लाग्यो होला है त ओ सबैले यसै भन्छन् तर यो घरमा नेपाली भाषा नै बोल्नु पर्छ भनेर बुवाले नियम लगाइदिनु भएको थियो बुवाले त यो संसारलाई नै छोडेर जानुभयो तर उहाँको यो नियमलाई हामीले अहिले सम्म कायम राखेका छौ ए अनि दशैं तिहारमा परदेशमा बसेर नि हामीले आफ्नो संस्कृति भुलेका छैनौ यस शहरमा बस्ने सबै जना नेपालीहरू एकै ठाउँमा भेला भएर मनाउने गर्छौ धन्यवाद भगवान म यस घरमा साइज जुराएरै आए छु लाग्छ परदेशमा आएर पनि आफ्नै ठाउँमा आए छु अ बिरु म तिमीलाई पढ्न लेख्न सिकाउँछु मैले यस उमेरमा पढ्ने पढ्न लेख्नलाई उमेरले छेड्दैन बिरु समयले साथ दियो भने तिमीले जे पनि गर्न सक्छौ बिरबहादुर ए बिरबहादुर हजुर बिरबहादुर हजुर तलाई मैले पनि स्त्री गरौँ भने हैन म भान्सा काम गर्दै थिए हजुर न्यू नबना टाडो नलाई कलेज जान लेट भइसक्यो हुन्छ हजुर बिरबहादुर ए बिरबहादुर हजुर तलाई मैले मेरो जुत्त पोलिस गर्दै भनेको अहिले सम्म गरिनस हैन म भान्सामा काम गर्दै थिए हजुर मलाई स्पष्ट गर्न हैन काम त काम पहिले सुनिल साहबको प्यान्टमा स्त्री गर्छु हजुर पहिला मेरो जुत्त पोलिस गर्दै तैले पहिला मेरो गर पहिला मेरो मिलाई काम चाहिन्छ नुन खाएपछि नुनको सोझो गर्नु पर्छ अरु कुरा मलाई केही थाहा छैन थपक्क जुत्त पोलिस गर जुत्तामा होइन मेरो प्यान्टमा स्त्री गर सुन यदि त नुनको सोझो गर्न सक्दैनस् भने किन बस्छस् जा गइहाल के भयो बाबु त किन ठुलो ठुलो सरले कराइराख्नु भएको के भयो नयाँ मान्छे हो काम सिक्दै छ काम नजानेकोलाई बिस्तार सिकाउनु पर्छ यसरी कराउने हो बिस्तारै गरिहाल्छ नि बिस्तारले यसले काम गर्छ यो त ठग हो छोड्नु सुनिल बाबु हैन तपाईहरु त पढ्ने लेखे मान्छे कुरा बुझ्नु पर्छ नि निसायमाथि दया गर्नु पर्छ यसरी झगडा गर्ने हो फेरि हाम्रो नेपाली दाजुभाइ पनि त हो नि के को दाजुभाइ यो त काम चोर सुनिल मदन शरम लाग्दैन तिमीहरूलाई यस्तो निज व्यवहार गर्न बेरो छाडी देऊ त्यो जुत्ता र प्यान्ट छाडी देऊ मान्छेलाई काम लगाउनु पनि जान्नुपर्छ बेरो यस घरमा तिम्रो जुत्तामा पोलिस र प्यान्टमा स्त्री गर्नु बसेको होइन हो ऊ काम गर्छ तर यस घरमा तिम्रोको जतिको हैसियत छ त्यतिकै बिरुको पनि छ त्यसैले यस दुर्व्यवहारको लागि तिमीले बिरुसित माफी माग्नै पर्छ साहब यो के भन्दै हुनुहुन्छ साहब बिरु म ठिक भन्दैछु सुनिल मदन
विदुषीसित माफी नमागी तिमी एक कदम अगाडि बढ्ने छैनौ। दायित्व पहिले आफ्नो स्तर बिर्से पनि हामीले बिर्सेका छैनौ। हामी माथिल्लो स्तरका मान्छे, तपाईं स्तरका नोकरसँग हामी माफी माग्दैनौ। साहब अम्मा यहाँ बस्ने साहब मैले घर त तपाईँको घरमा शान्ति फैलिएको छ। म तपाईँहरूको बीच काँडा फेर बस्न चाहदिनँ साहब। जान्छु। कहाँ जान्छौ तिमी? यो सहर तिमी नौलो छौ, तिमीलाई आफू कहाँ उभिएको छु त्यो पनि थाहा छैन। नजाऊ, तिमीले दुःख पाउँछौ। दुःख त मेरो कर्म उलेको छ साहब। हाँसेर खेल्ने उमेरमा गाउँ घर इष्टमित्र छोडेर मुङ्ला बस्नु पर्यो। म सबै दुःख झेल्न सक्छु साहब, तर मेरो कारणले तपाईँले दुःख पाएको म हेर्न सक्दिनँ। अरे अरे म कहाँ दुःखी छु र? मलाई कुनै दुःख, मलाई दुःख त तब हुनेछ जब तिमी यहाँबाट जानेछौ। साहब बाब तपाईँ झुट बोल्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले खाना पनि खानु भएको छैन। खाना? म खाना त म खाइहाल्छु नि, बरु गुन्द्रुकको अचार पनि बनाएर म यही खान्छु। साहब हुन्छ। तब ये कैसी बदतमीजी है? बदतमीजी? बदतमीजी हमने नहीं की, आपने किया हमारे साथ। क्या मैंने क्या किया आपके साथ? मैनेजर, जो पैसे हमको मिलना था वो क्यों दिया? तो पैसा आप लोगों को नहीं मिला इसलिए आप झगड़ा करने चले। मैनेजर जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप हमारा कंपनी में ही काम करते हैं, हमारा ही नमक खाते हैं, फिर भी हमसे चिटिंग क्यों? क्यों क्या कर रहे हैं आप? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो वही किया जो आपके बड़े भाई ने मुझे हुक्म किया। बड़े भाई देखिस, मैले त पहिले शंका गरिसकेको थिए, यो सब चाल बड़े भाई हामीलाई माफी मगाउनको लागि गर्नु भएको हो। त्यसो भए तिम्रो आफ्नो गल्ती स्वीकार्न तयार छौ होइन? हो दाई, हामीले आफ्नो कर्तव्य बेचेर तपाईँको अपमान गरे। हामीलाई जे सजाय दिनुहुन्छ दिनुहोस्, तर यसरी आफ्नो नजरबाट टाढा नराख्नुहोस्, हामीलाई माफ गरिदिनुहोस्। मानिस भएपछि गल्ती त भइहाल्छ नि, फेरि त्यसमा भाइ हो, एकपटकलाई माफ गरिदिनुहोस् न। वेल, तर तिमीहरूले माफी पछि त होइन, बिरुसी त माग्नु पर्छ। हामी तयार छौ। बिरबहादुर, बिरबहादुर यता आऊ त। हजुर साहब। बिरबहादुर हामीलाई माफ गरिदिनुहोस्। माफी त हामी जस्तो सानो मान्छेले पो माग्ने, उहीहरू जस्तोले होइन। होइन, हामी त सबभन्दा सानो छौँ, बुद्धिले पनि उमेरले पनि। हामीलाई माफ गरिदिनुहोस्। गुड, तिमीहरू आफ्नो गल्ती स्वीकार गर। मलाई मात्र होइन परिवारलाई खुसी पार्यो। त्यो घटनाले गर्दाखेरि यहाँ कोही हाँस्न सकेको थिएन। जे भयो राम्रै भयो। नमस्कार सुहेक बाबू। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार भाग को भी नमस्कार। और कैसी है बेटी? ठीक हूँ। बैठे थे स्वामी जी, इस बरस तो देर कर दिया आने में। क्या करो सुहेक बाबू, पशुपतिनाथ के दर्शन करने नेपाल गया था। वहाँ के लोग बहुत अच्छे, बहुत सुंदर देश। इस बार तीर्थ यात्रा भी बहुत अच्छा हुआ सुहेक बाबू। ये आदमी कौन है सुहेक बाबू? ये हमारा भाई है। ये 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 ओ राम, इस लड़के का क्या नेत्र है? इधर बेटा हाथ दिखा। राम, ये ये ओ राम, अब मैं आपको क्या बात बताऊं सुहेक बाबू, इनके हाथ का लकीर बहुत अच्छा। अयो बहुत बहुत भाग्यवान है, इनके भाग्य में सुहेक बाबू राज्य लिखा है। राज्य
अच्छा सचमुच में सुयोग बाबू, ये आदमी एक दिन बहुत दौलत वाला बनेगा, बहुत बड़ा आदमी बनेगा। सारे लोग मिलके ये लड़के का पूजा करेगा। आई आई ओ राम, इस हाथ को तो मैं चुमना चाहता हूँ, चुमना। साला कति सजिलै बेकुब बनाइयो, दाइले पनि हामीलाई कति चाँडो विश्वास गर्नुभयो। त हेर्दै जा, दाइको कमजोरीलाई म मजबुरी बनाइदिन्छु। त्यसो नभन, दाइलाई हामीले सधैँ खुसी राख्नु पर्छ। उसको खुसी त त्यो पाखे हो। हजुर दुध ल्याइदिएको। गुड नाइट। यो पाखेले पनि इङ्ग्लिश बोल्न थालेछ। किरणको करामत हो। एम साहब। ओ बिरु, वेलकम अर्थात स्वागतम। आओ बता। आओ ना। ए क्या है ना, यहाँ बसो। आओ आओ, यहाँ बसेर मलाई को कस्तो मान्छे होला, बसो। मैले तपाईँले सिकाएको दुईटा कुरा जाने, एउटा थ्याङ्क यू भनेको धन्यवाद, अनि अर्को गुड नाइट भनेको शुभरात्रि। र अहिले वेलकम भनेको स्वागतम, त्यो पनि जारे। अब अरू पनि सिकाउँछु, खै लौ कपी। मेम साहब, अहिले मलाई एउटा चिठी लेखिदिनुहोस् न। चिठी? कसलाई बच्छौ? साथीलाई। असाच्ची तिम्रो घर परिवार? मेरो कोही छैन मेम साहब, सानो हुँदै आमा पुग्नु भयो, बा हुनुहुन्थ्यो, साउको भाती बोक्दा बोक्दा फेर मेरो खसेर मर्नु भयो। अटुरो हुँ मेम साहब, दुनिया मेरो आफ्नो भन्ने कोही छैन मेम साहब, कोही छैन मेम साहब। आइ एम सो सरी बिरु। ठिक छ, म तिम्रो चिठी लेख्दैछु। तर तिम्रो चिठीको जवाब पढ्न म हुन्न। कहाँ जानुहुन्छ? दार्जिलिङ। म दार्जिलिङमा पढ्छु, त्यहीको होस्टेलमा बसेर। अब मेरो बिदा सकिन, 15 दिन मात्र बाँकी छ। ठिक छ, सपत्र आएपछि बडा साप पढ्दिन भन्छु नि। चिठीको जवाब बडा सापले होइन, तिमी आफैले पढ्ने छौ। कसरी मेम साहब, मलाई त पढ्ने आउँदैन। तर यसरी नै मेहनत गर्दै गयो भने 15 दिनभित्रमै पढ्न लेख्न र यहाँको वातावरण अनुसार चल्न पनि सक्छौ। हो र मेम साहब। हो बिरु। हजुर सर। यहाँ हो त, यहाँ हो, ल यो समात त। ल लियो। यति धेरै पैसा साहब, सब्जी किन्ने पैसा त मेरो साहबले दिइसक्नु भएको छ। यो सब्जी किन्ने पैसा होइन, अनि त तिम्रो तनखा हो, तिम्रो पहिलो कमाई होइन। सर यो मलाई चाहिँदैन, म यहाँ सब थोक पाएको छु भने यसको मलाई के जरुरत। अरे राख न राख न साहब। अरे राख, कम अन, ल राख। ठुलो सहर छौ, के किन्नु मन लाग्ला, खान मन लाग्ला। थ्याङ्क यू साहब, थ्याङ्क यू सो मच। अरे अरे, तिमी त गोरा साहबसँग राम्ररी अङ्ग्रेजी पो बोल्छौ। साहब मलाई मेम साहबले पढ्न लेख्न सिकाउँदै हुनुहुन्छ। अच्छा अच्छा, ठिक छ ठिक छ, राम्ररी सिक्दै गर्नुहोस्। हुन्छ साहब। अब तिमी यो पैसाले के गर्छौ? म एउटा उपहार किन्न चाहन्छु। कसको लागि? तपाईँको लागि। मेरो लागि?
पर्दैन, मलाई कुनै उपहारको जरुरत छैन। तपाईले मलाई पढ्न लेख्न सिकाउनु भयो, त्यसैको निम्ति ओ आई मीन फिस दिन चाहन्छु। फिस होइन, भवै मेरो गुरु हो र म आफ्नो गुरुलाई गुरु दक्षिणा चढाउन चाहन्छु। गुरु दक्षिणा? नो नो नो, म तिम्रो टिचर होइन, म कसरी गुरु दक्षिणा लिन सक्छु? बरु दिन्छौ भने एउटा उपहार देऊ, पैसाले किनेको होइन, मनले जितेको। त्यस्तो उपहार मसँग के छ र? खुकुरी, त्यही खुकुरी हामी नेपालीहरूको बहादुरीको प्रतीक, जसको आडमा तिमीले मेरो रक्षा गर्यौ, मलाई जीवन दान दियौ, त्यही खुकुरी जुन आज मेरो जीवन दान बनेको छ। यो खुकुरी हो, यो खुकुरी, यो खुकुरी मलाई तिमीले दिए मेरो जिन्दगीकै सबैभन्दा बहुमूल्य उपहार हुनेछ। यो खुकुरी मेरो मनभन्दा प्यारो चिज हो, यसलाई सम्हालेर राख्नु होला।
यो सब तैले गर्दा आज मलाई हात उठाउने दुस्साहस गर्यो त्यसले मलाई के थालेको छ त्यही हो तैले यो ठीक गर्नुस् भाइ इट्स नॉट फेयर जुन बहिनीले आजसम्म मैले ठूलो आवाजले पनि बोलाएको थिएन आज तैले अन्त हकमा त्यही बहिनीलाई थप्पडले हानिस इट्स नॉट फेयर मैले केही गल्ती गरेको छैन नानी मैले त्यो कर्तव्य पूरा गरेको छु जुन आफू भन्दा सालले बाटो बिराउँदा ठुलाले पूरा गर्नुपर्छ
भाई एउटा ज्ञान को भोका ज्ञान दिनु कुनै बाटो बिराउनु होइन कुनै मंदिर में गए फूल चढ़ाने जत्तिक पुण्य काम हो के पुण्य हो के पाप हो पछि तपाईले आफै थाहा पाउनुहुने छ मेरो कारणले मेम साहबले थप्पड खानु पर्यो म यहाँ मेरो ठूलो गलती गरे म यहाँ आउनु हुँदैन थियो आए पनि त्यही दिन जानु पर्थ्यो जुन दिन सुनिल र मदनले मलाई जा भनेका थिए म यसरी उतिर आकर्षित हुनु उचित छ को हो के हो मलाई राम्ररी थाहा पनि छैन फेरि ऊ विवाहित हो कि मैले त्यो पनि उसलाई सोधेकी छैन दाइहरूले यो सम्बन्धलाई के भन्नुहुने हो जस्तो जे भनोस् मैले त उसलाई आफ्नो दिल त्यति बेला नै दिएको थिएँ जति बेला उसले हामीलाई ट्रेनमा सहयोग गरेको थियो म कसरी बिर्सन सक्छु केस पाकेको कारणले गर्दा बारम्बार मेरो अपमान भइरहेको छ अब म चुपचाप बस्न सक्दिन हामी के नै गर्न सक्छौं र जब दाई नै उसको पछि लागेपछि हामी धेरै कुरा गर्न सक्छौं बढ्यारी सब कुराहरु दाईले आवेशमा गरे चोटी गाली गर्दैमा त फेरि किन आवेश आउँछस् दाईले फेरि तलाई माया पनि त गर्नुहुन्छ हैन र सबै पखालियो यो दिलबाट दाजु र भाइको नाक पनि पखालियो अब मात्र घृणा र प्रतिशोधको आगो सल्किएको छ त्यसो भन दाई जन्छ त असल मान्छेलाई यसो भनिस भने पाप लाग्छ मेरो शिकार उसको भजन गाउँछस् गेट आउट जान्छु तर याद गर सुनिल तैले दाईसँग दुश्मन लिएर केही पनि पाउँदैनस् बिस तैले आज यस ठाउँमा मेरो अपमान गरिस् अबदेखि आइन्दा तेरो र मेरो सम्बन्ध सरीको लागि कट सुनिल तैले उसलाई यस्तो व्यवहार गरेर गतिति माथि गल्ती त गरिन यदि दाईले थाहा पाउनु पो भने थाहा पाओस् अब उसले थाहा पाएर केही लछाड्दा छैन कसरी मैले सब योजना बनाइसकेको छु र हाम्रो यस योजनालाई पूर्ण रूपमा रागिनीले साथ दिनेले साथ दिनेछ सुन्नुस् न सुन्नुस् न भने के भयो भन न नानी के भन्नुहुन्छ के भन्नुहुन्छ के भन्छ ऊ यस्तो दिक्क भइसक्यो अरे के भन्छ ऊ त किरण नानीले नखाएको दुई दिन भइसक्यो मैले कति गर्दा केही गरे पनि खुवाउन सकिन फेरि के भन्नुहुन्छ के भन्नुहुन्छ म त केही बुझ्दिन के भन्छ अरे सुन्नुस् छिटो हो दाई म भेरुलाई माया गर्छु र उसँग बिहे गर्न चाहन्छु होसमा त छौ तिमी हिजोसम्म त म होसमा थिइन दाई तर त्यो थप्पडले आज मलाई होसमा ल्याएको छ र मेरो अहमलाई चोट पुर्याएको छ त्यो थप्पडले हेर मूर्ख कुरा नगर यो अहमको होइन जीवनको कुरा छ एउटा जब थप्पडको नियो पारेर यत्रो ठुलो फतिमी गर्न सक्दैन किन सक्दिन यदि मेरो चरित्रमाथि कसैले आउन ठानेको सक्छ भने म आफ्नो जिन्दगीको फैसला गरेर किन सक्दिन किन किन म एउटा नारी हुँ त्यसरी सरसित दबिएर बस्छु म बलमा कमजोर छु त्यसैले सबैसित डराएर बस्छु भन्ने किरण नानी तपाईँले यस्तो फैसला गर्न सक्नुहुन्न किनभने अहिले तपाईँको बिहेको होइन पढ्ने उमेर हो मलाई पढ्नु सक्दिनँ भाउजू तिमी दिमागले होइन दिलले बोलिरहेको जुन तिम्रो उमेरले जन्माएको बेहोसीपना मात्र किन दाई मैले यो फैसला धेरै सोचेपछि मात्र गरेकी हुँ अब मलाई कसैले रोक्न सक्दैन यदि मलाई कसले रोक्न खोज्यो भने म सुसाइड गरिदिन्छु मदन
तातो रिस गर्ने बेला यो होइन। यसमा हामीले बिरुको ज्यान लिनु भन्दा पनि बढी किरणको ज्यान बचाउनेतिर सोच्नु पर्छ। मेम साहबको दिल दुख्छ भनेर मैले मेम साहबको दिल दुखाउन बसेको रहेछु। बिरु भाइ साहब साहब तपाईं सल्लाह मलाई दिनुस्, तर मेम साहबलाई केही नभन्नुस्। उहाँको कुनै दोष छैन, सारा दोष मेरै छ। मैले सुनील साहबमाथि हात उठाएर ठूलो गल्ती गरे साहब। बिरु भाइ तिम्रो कुनै दोष छैन, तिम्रो कुनै गल्ती छैन। तिम्रो ठाउँमा म भएको भए त्यही हुन्थ्यो जुन तिमीले गर्यौ। बरु सुनीलले तिमी माथि घातपात गरेकोमा म उसको तर्फबाट माफी माग्छु। यो तपाईँ के भन्दै हुनुहुन्छ साहब? यो तपाईँ के भन्दै हुनुहुन्छ? तपाईँ जस्तो ठुलो मान्छेले म जस्तो सानो मान्छे त माफी माग्दै हुनुहुन्छ? मलाई पाप लाग्छ साहब, त्यसो नगर्नु साहब, मलाई पाप लाग्छ। भइगयो, यसरी घात नगर, जे भयो त्यसलाई बिर्सिदेऊ। मलाई माफ गर्नु साहब। जबसम्म दाइले मेरो फैसलालाई मान्नुहुन्न त्यति बेलासम्म म केही पनि खान्न। यसरी खाना राखेर बस्न त कहाँ हुन्छ र मेम साहब? भन्नु धेरै दिनसम्म खाना खाएन भने मान्छे मर्छ रे। मलाई मर्नसँग डाक्दैन। हे भगवान्, तपाईँ यो के भन्दै हुन्छ? त्यति सानो कुराको निम्ति तपाईँ आफ्नो ज्यान दिँदै हुनुहुन्छ? तिम्रो निम्ति पुरै सानो कुरा होला, तर मेरो निम्ति त यो जिन्दगीको सबैभन्दा ठुलो कुरा हो बिरु। र मैले आजसम्म आँटेको काम मैले अपुरो भएको छैन, त्यसपल्ट पनि यो सम्बन्ध पुरा हुन सक्दैन मेम साहब। यो सम्बन्ध कहिले पनि पुरा हुन सक्दैन। कहाँ तपाईँ सहरकी एउटा पढे लेखी केटी, कहाँ म गाउँले एउटा अनपढ पाकी केटो। तपाईँ र मेरो सम्बन्ध बीच आकाश र जमिन जस्तो फरक छ मेम साहब। प्रेमले ठुलो सानो भन्दैन, पढेको र नपढेको पनि भन्दैन। यसको सम्बन्ध त आत्मासित हुन्छ र मेरो आत्माले तिमीलाई प्रेम गर्छ। बस म यही जान्दछु, तिमीले मलाई छोड्न गयो भने म सुसाइड आत्महत्या गरिदिन्छु। बिरु खाना यता दिनु। किरण लु खाना खाऊ। किरण नानी खाना लिनुस्।
किरण 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 सुनीता सुनीता मदन सुनील किरण उठो किरण क्यों वो किरण नानी क्यों वो मदन जा डॉक्टर को बुला मदन बाबू चिंता ना डॉक्टर ने बुला ले रहा हूँ उसे किरण नानी क्यों वो किरण नानी मेरा फोन हेलो यस मैं डॉक्टर बोल रहा हूँ क्या किसको किरण मैम साहब को अच्छा ठीक है मैं अभी आ रहा हूँ ये तेरा दी काम बड़ा हूँ देखा कमाल है यार ऐसे पूछ रहा तू जैसे कोई बिगड़ा हुआ लड़का को हेडमास्टर डांट रहा है यार सुनील जोक सही जोक सही ना मशीरियस चु मशीरियस चु मैं डिस्को बड़ा हूँ देश घर में इतनी ठुलो टेंशन सा तो हाँ सर डिस्को मार माँ अपनो टेंशन दूर मगर न डिस्को मगर गए थे तलाई घर कोई जातो कुने बर्बाद छैन त्यो पाखी को कारण ले गर्दा आज हाम्रो घर कोई इज्जत बर्बाद हुने बेला भइसकेको छ मैले त सोचेको थिए त्यस पाखीलाई गोलीले उडाइदिन्छु तर दाई मान्नुहुन्न हजुर दाई मान्नुहुन्न त किन टेंशन मा आउँछस् त सोचेस मलाई आफ्नो इज्जत नै परवाह छैन भोलि आफ्नो बहिनीलाई नोकसी त बिहे गराएर म पछि ठाडो पारेर हिँड्न सक्छु सक्दिन त्यसैले मदन अब हामीले केही दिन मात्र धैर्य गर्नुपर्छ सब ठिक हुन्छ आइए डाक्टर साहब मुझे सब मालूम पड़ गया देखिए किरण का कंडीशन बहुत खराब है उनका प्रेशर इतना लो है कि जल्दी से जल्दी कुछ नहीं खिलाया जाता कुछ भी हो सकता है ऐसा मत कहिए डॉक्टर मैं सच कर रहा हूँ अगर आप इनकी सलामती चाहते हैं तो अपना जीत छोड़िए और उनकी कहना मानिए अच्छा सुयोग जी मैं चलता हूँ किरण बहनी उठा खाना खाओ उठो भाई भाई बिरु भाई ये आओ ये समाता समाता ना उसला खाना खुआ खुआ आज देखिन किरण का जिन हारेगी तिम्रो हाथ में सुम्पी देश त्यसले इनलाई खुवाउने पियाउने जिम्मेवारी तिम्रै हो दाई मैले हारे भने तैले जितिस जुरा को लंग लंग जाए रा
रेशम चरी बनेर जता मुड़ तिते ही जाने खुरा खुलो धन होइन जन्माया नै ठुलो जता मुड़ तिते ही जाने खुरा खुलो खुल बन्छ कागजको बस्न आउँदैन रेल चल्छ लिक लिक सडकमा चल्दैन हे रेल चल्छ लिक लिक सडकमा चल्दैन लगने यो पैसा खेरा जलाई बुढ़े काल में कोई न पाए फुनु बलाई लोभ लगने यो पैसा खेरा जलाई बुढ़े काल में कोई पाए फुनु बलाई देखा जल्दी आँखा ले कहाँ गाइन छो जाले छ भाभी लेते ही जाइन छो हे जाहन देख छ भाभी लेते सुहाको तिमी सँग भेट हुन दैवले जुराको तिमी सँग भेट हुन दैवले जुराको रहिछौ ए तिमी तसरै छ पारे मान्छे हेर्दा सोझो ए कुरा बेसारे मान्छे हेर्दा सोझो ए कुरा बेसारे ए मुखलाई छरेर उड्या छैन मन मेरो खानदान इज्जत र मर्यादाको ख्याल राखी यत्र ठुलो फैसला गर्नुभयो सुता तिमी के ठान्छौ कि मैले यो सब मेरो खुसीको निम्ति गरे कि मलाई मेरो मान सम्मानको कुनै ख्याल छैन तर समाजले के भन्ला भन्नुस् त तर म बाध्य किरणको खुसीको निम्ति मैले नचाहेर पनि यत्रो ठुलो फैसला गर्नु पर्यो मलाई थाहा छ भोलि छोरी पारी हाँस्ने छन् सोसाइटीमा मेरो बदनाम हुनेछ बाध्य छु किनकि यो स्थितिमा मसँग अर्को कुनै उपाय थिएन उपाय छ
अहिले किरण नानी भावनामा भर्किएर अन्ध हुनु भएको छ। भावनामा भर्किनेहरू समयसँगै बदलिन पनि सक्छन्। सुनिता, म किरणको मनमा कुनै ठेस पुर्याउन चाहन्न। ठिकै छ नि त, किरण नानी क्याम्पस गएपछि 6 महिनापछि फर्किनुहुन्छ। यस बिचमा हामी बिमिरको निम्ति कुनै बहाना बनाउन सक्छौँ। फाइनल एक्जाम सकिने साथ म फर्किने छु। मैले दाई भाउजूलाई सबै कुरा सम्झाएकी छु। सुन त दाजु भाउजूको राम्रो ख्याल गर्नु, साथै आफ्नो पनि राम्रो ख्याल गर है। म उता पुग्न साथ चिठी लेख्छु। हुन्छ, तिमी पनि आफ्नो लक्ष्य पूरा गर, म तिम्रो प्रतीक्षामा रहनेछु। आई एम वेटिङ फर यु। तिम्रो फ्लाइट छुट्ला जाऊ। ओके ओके, विश यू सेफ जर्नी दाई। ल ल चाँडो जाऊ। बाय बिरु। बाय बाय बाय। बिरु दाई, म तपाईँसँग एउटा सानो रिक्वेस्ट गर्न आएको कुरा। यहाँ एकजना गेस्ट आउनुभएको छ, तपाईँले 2 कप कफी लगिदिनुहोस्। म एकछिनपछि आउँछु, तपाईँहरू कुरा गर्दै गर्नुहोस् न। मैलेसँग गफ गर्नु, तर मलाई त एकैछिनको कुरा हो नि। अहिले मदन पनि बाहिर गएको छ, त्यसैले भनेको। भइहाल्छ नि। मेम साहब, दो कप चाय बनाइए ना। सुनील तो कह रहा था कि आप यहाँ बैठने के लिए आए हैं। जी हाँ। तो आप खड़े क्यों हैं? बैठिए। नहीं ठीक है। नहीं बैठिए ना। नहीं नहीं बैठिए बैठिए। ठीक है। बैठिए ना। नहीं बैठिए। अच्छा। बैठिए ना। नाम क्या है तुम्हारा? नहीं आपका? वीर बहादुर। बहुत अच्छा नाम है, जैसे कि आप दिखते हो बहादुर, हैंडसम। वीरू जी, वहाँ पे एक मैगजीन पड़ी हुई है, प्लीज लेके आइए ना। बैठिए ना, इधर बैठिए, बैठिए ना, बैठिए, पीजिए। हुन्छ, ल हेर्नुहोस् उनीहरूको चर्ती कला।
बुझ्नु भयो त दाई? सत्यवादी राजा हरिश्चन्द्र सम्झेर विश्वास गरेको मानिस आज कति नीच र फोहोरी रहेछ। अब त तपाईँलाई विश्वास भयो होला नि कि आज पनि यो यस घरको योग छ। साहब गया नत्र लाज पार दिन्छु। छिटो गा भनेको निकी छिटो भनेको किन मान्दैन यो पाइप पाके छिटो निस्की भनेको खोलेरा सर्वस्व बाडा पतै पनि संसार आफ्नो हुँदैन। मुट्ठी खोलेरा सर्वस्व बाडा पतै पनि संसार आफ्नो हुँदैन। टाढा छन् तारा नजिके मन छे आफ्नो हुँदैन आफ्नो हुँदैन। मुट्ठी खोलेर सर्वस्व बाडेर तै पनि संसार आफ्नो हुँदैन आफ्नो हुँदैन। हात छ बैनी जे गर्छु भन्छ त्यही भन्छ आफ्नो हुँदैन आफ्नो हुँदैन। उनीहरूको चाल रहेछ। यस घरको एक एक कणमा मेरो जिन्दगीको मोहर लागेको छ। बुझिस भाइ, मेरो जिन्दगीको मोहर लागेको छ। त्यसैले भाइ म यो घर छोडेर जान्न, यस घरबाट मेरो लाज जाला। तर म यो घर छोडेर जान्न। ठिक छ, कानुनको सहारा त मसँग छँदैछ। त सिधा मुखले बाहिर निस्कदैछस् भने गलत क्यार निकाल्न म पक्कै छैन। डाक्टर साहब, आप कैसे हैं?
अब तक तो ठीक है, लेकिन लेकिन क्या डॉक्टर साहब? कुछ नहीं, मैं बाद में कहूंगा। भाउजू बिर्सिदिनुस्, अब नरुनुस्, उनीहरूले तपाईँहरूमाथि अन्याय गरेका छन्, यसको इन्साफ मर्दैन भाउजू, मर्दैन। भगवान्ले सबैको रक्षा गर्छन्, हिजोसम्म म पनि यही भन्ने गर्थे, तर आज मलाई विश्वास भयो भगवान् पनि निर्दयहरूको पक्षमा छन्। मेरा हाथ, सुरिता, मेरा खुट प्रसाद, क्या शॉट वन टेक वन एक्शन। मुझे क्या समझते हैं आप लोग? क्या मैं कोई बाजार की गुड़िया हूँ जिसे आप अपनी मर्जी से चला सके? नहीं, मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ, मुझे अपनी जिंदगी का फैसला खुद करना आता है। मैं अपनी जान दे दूंगी लेकिन ये शादी नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। करेक्ट, ओके। सोनिया तुमने बहुत अच्छा काम किया, आज के लिए तुम्हारा सीन पैकअप हो गया, जाओ बाकी कल कर लूंगा। सुरेश आर यू रेडी? सोनिया मैंने जो डिमांड किया था वो रुपया क्यों नहीं भेजा? देख लड़की, मुझे तू छोटा मोटा गुंडा समझकर बहुत बड़ी भूल कर रही है। मैं बहुत खतरनाक आदमी हूँ, अगर मैं चाहूँ तो इस शहर को तहस नहस कर सकता हूँ। तू क्या चीज है? नहीं मैं जानती हूँ आप बहुत खतरनाक आदमी है, आपकी एक ही सर पे मेरी जान जा सकती है, लेकिन मैं फिर भी कहती हूँ मैं आपके डिमांड के पैसे नहीं दे सकती। तुमको पैसा देना ही होगा वरना। आप मुझे धमकी दे रहे हैं? मैं फिर भी कहती हूँ मैं आपके डिमांड के पैसे नहीं दे सकती, ये मेरा आखिरी फैसला है। अच्छा, तुमने अपना फैसला सुना ही डाला। सारा लड़की के पीछे पड़े हो, बहादुरी दिखाना है तो सामने आ। कह रहे थे कि तुम इस शहर में रहने नहीं चाहते, क्यों? मैं अपना देश लौटना चाहता हूँ। क्यों, तुमको ये शहर पसंद नहीं आया?
मैंने बहुत बड़ी गलती की यहां के मेम साहब। अब मैं यहां एक पल भी रुकना नहीं चाहता हूं। वैसे भी गरीब लोग जहां भी जाए ठोकर ही ठोकर मिलता है। बस मैं हार गए उस शहर से। नहीं नहीं, तुम ऐसे कहां जा सकते हो? तुमने तो मुझे नई जिंदगी दी है। आप मेरा फर्ज बनता है मैं तुम्हें नई जिंदगी दूं। लेकिन मैम साहब, अब तुम कुछ नहीं बोलोगे, तुम यहां से कहीं नहीं जाओगे, तुम यहीं पे काम करोगे जैसे कि पहले किया था, घर का काम। नहीं नहीं, घर का काम नहीं, तुम कुछ और ही करोगे, जैसे कि तुम जैसा बहादुर और साहसी पुरुष को करना चाहिए। ये क्या है, आपके ऊपर 6000 का बिल बन रहा है और आप 2500 दे रहे हैं? सिर्फ 2500? जितनी रकम हमारे पास था वो तो मैंने दे चुका है, मेरा विश्वास कीजिए। बाकी का रकम मैं कल तक पहुंचा दूंगा। ऐसे कैसे होगा, यहाँ का जो नियम है उस मुताबिक तो चलना ही होगा। ठीक है, मैं अपने सारे जेवर आपके यहाँ गिरवी रख देती हूँ। अब तो आपको विश्वास हो जाएगा ना? देखिए पांडे जी, ये क्या हो रहा है? डॉक्टर साहब देखिए ना, ये सब पूरा बिल नहीं चुका रहे। मैं सब कुछ सुन चुका हूँ। ठीक है, उनका जितना भी बिल है मेरे अकाउंट पे रख देना। ठीक है डॉक्टर साहब। ठीक है, ये सब आप रखिए। डॉक्टर साहब, थैंक यू डॉक्टर साहब। हे हे, वहां से रिफ्लेक्टर हटाओ। ए, वो कौन है? हीरो लगता है यार। वाह, क्या हाइट है यार। वाह, इसका बॉडी भी क्या शानदार है यार। वाह, क्या हैंडसम है। हाँ सचमुच है। डायरेक्टर साहब, वो सोनिया के साथ कौन है आप जानते हैं? वो सोनिया का नया बॉडीगार्ड है। वाह, क्या बिंदास लगता है यार, जरूर कोई हीरो होगा। हाँ यार, हीरो लगता है। संदीप। यस सर। सोनिया का मेकअप कर दो। चलिए मैम साहब। ओके सर। सर, आई एम रेडी। ओके, लेट सोनिया कम। पार्थो, डायलॉग। ओके, रेडी। साउंड, कैमरा, क्लैप, टेक 9, एक्शन। मैडम आप बिल्कुल घबराना नहीं, मेरे होते वो लोग कुछ। सॉरी सर। देखो सुरेश जी सर, अच्छी तरह से करना, बहुत टेक ले चुके हो तुम। ठीक है सर, इस बार मैं अच्छी तरह करूंगा। ओके, वन मोर। साउंड, कैमरा, क्लब, एक्शन। देखो रिचा, तुम बिल्कुल घबराना नहीं,
मेरे होते वो लोग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरे आप नहीं जानते, वो लोग बहुत खतरनाक आदमी है। अरे रिचा, वो लोग खतरनाक है तो मैं भी कम खतरनाक नहीं हूँ। कट 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 कट, क्या हुआ यार, क्या कर रहे हो? बर्बाद कर दिया, बर्बाद हो गया। बोले जा रहे हो पेशाब पिया, अरे पानी पिया, बोलो पानी पिया। ठीक है सर, इस बार जरूर बोलूंगा, प्लीज। अगर नहीं हुआ तो पैकअप कर दूंगा। ठीक है सर, इस बार मैं पक्का बोलूंगा। ओके चोपड़ा साहब, इस सिरे से तो अच्छा वो सोनिया का बॉडीगार्ड है। हाँ। बर्बाद कर दिया इसने। एक्शन। देखो रिचा, तुम बिल्कुल घबराना नहीं, मेरे होते वो लोग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरे आप नहीं जानते, वो बहुत खतरनाक आदमी है। अरे रिचा, वो लोग खतरनाक है तो मैं भी कम खतरनाक नहीं हूँ। मैंने भी किसी पेशावर का पेशाब नहीं पिया हूँ। कट 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 कट। अरे यार क्या यार, इधर साउंड आ रहा है, हमको टेंशन हो रहा है, इधर क्यों लाइट मारता यार? पैक अप। ओके सर। कैसा शॉट हुआ मेरा यार? बहुत अच्छा, लेकिन तूने आज ज्यादा फिटेज खाया यार। आज मेरा मूड ठीक नहीं था यार। चलो रघु, बाय बाय। ये क्या खा करेगा? अरे सुनो यार, ये तो पैसा लगा के हीरो बना है।
जोगेंद्र भाई कहिए, आपका धंधा कैसा चल रहा है? धंधा में तो मंदा तो नहीं के, लेकिन हमार दो आदमी के पुलिस मुठभेड़ में मार गए। ठीक है, कोई बात नहीं। थापा जी, इस बार कितने लड़की लाए हो? अभी तो सिर्फ 6 लड़कियां लाया हूँ, और भी चाहिए तो इंतजाम हो सकता है। वेरी गुड, अगली मीटिंग में मुलाकात होगी, अभी आप लोग जा सकते हैं। काम हुआ? नहीं बॉस। क्यों नहीं हुआ? बीच में सोनिया का बॉडीगार्ड आ गया। कौन बॉडीगार्ड? एक बहादुर। बहादुर? वो भी मेरा निशाना हो गया। मामूली सी बॉडीगार्ड को अपना दिल दे बैठी, उसे प्यार करने लगी, उसे चाहने लगी। हाँ, मैं उसे प्यार करती हूँ, उसे चाहने लगी हूँ, और उसे पाने के लिए मैं कोई भी हद से गुजर सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। हाँ वीरू, यू आर सो स्वीट। तुम ये क्या कह रही हो? हमारा दूसरा फिल्म में तुम्हारा बॉडीगार्ड को हीरो बना दूं? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। मैं ठीक हूँ चोपड़ा साहब, मैं इसलिए कह रही थी, अगर वो छोटू सुरेश आपकी इस फिल्म का हीरो बन सकता है, वीरू क्यों नहीं? वो सुरेश की बात अलग है। क्या अलग है उसमें? वीरू उससे क्या कम है? बॉडी, स्मार्टनेस, खुदा का दिया हुआ हर चीज है उसके पास। देखो, तुम मेरी बात को नहीं समझ सकती। मैं कह देता हूँ, बहादुर हीरो नहीं बन सकता। कैसे नहीं बन सकता? मैं बनाऊंगी उसे, आपके यहाँ नहीं तो किसी दूसरे के यहाँ। दीवानी बन गई तू, पागल बन गई तू। ठीक है आपने, मैं पागल बन गई हूँ, दीवानी बन गई हूँ, क्योंकि मैं उसे प्यार करने लगी हूँ। मैं अपने प्यार की खातिर कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। क्या क्या कर सकती हो? मैं उसके लिए जो भी कर सकती हूँ, जो आप चाहेंगे। आप इस पेपर पे साइन कीजिए। ये क्या है साहब? पहले साइन करो। हाँ वीरू, साइन करो। वेरी गुड, अब मेरा फिल्म का तू हीरो बन गया। साहब, मैं फिल्म का हीरो? आप क्या मजाक करते हैं? मैं सच कह रहा हूं। तुम्हारा साइनिंग का ये अमाउंट है। साहब, इतना पैसा? अब आपको देखिए क्या क्या करना है, वो सोनिया मैम साहब बता देगी। और ये लीजिए। सुनो, 2 हफ्ते बाद सेट पे जाना है। सोनिया, शाम का तो मालूम है ना? हाँ सर, अब आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। वीरू को क्या क्या करना चाहिए वो सब मैं परफेक्ट कराऊंगी। चल वीरू। आपने ये क्या किया जी? आपका दिमाग तो ठीक है, ये का तो सूरज ने बर्बाद कर दिया, और ये भी डुबा देगा। डूबना डुबाना ऊपर वाले के हाथ में।
रुक जा। भाई साहब भाड़ा तो दो। काई का भाड़ा? आपको यहां तक लाया है उसका भाड़ा दे दो। लगता है तू इस शहर में नया नया है। कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ कालू दादा से भाड़ा मांगे। देखो साहब अपन कोई कालू दादा वालू दादा को पहचानता नहीं है। अपन तो खुद किस्मत का मारा बेचारा परदेसी बाबू है। देखो साहब खाली पीली गरीब आदमी के साथ क्यों पंगा लेते हो? अपन का आदत है पसीना का कमाई वसूल करने का, इसलिए पैसा तो देना ही पड़ेगा अपन को। बहुत अच्छा किया। थैंक यू साहब। आप तो गुस्सा कर रहे थे सुरेश से, अच्छा तो इस हीरो ने किया। चोपड़ा साहब ने ठीक किया सुरेश को निकाल के, अब फिल्म सुपर हिट होगी। होगा। अच्छा ठीक है होगा। दर्शकवृन्द, प्रजातन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा आयोजित नेपाली सांस्कृतिक कार्यक्रममा एकपल्ट पुनः हामी यहाँहरू समक्ष त्यो प्रतिभालाई उभ्याउन चाहन्छौँ जसलाई जीवनका बाध्यताहरूले प्रवासी जीवन बिताउन बाध्य गराए तापनि उसको हृदयमा आफ्नो जन्मभूमि आफ्नो मातृभूमिप्रतिको माया स्नेह यसरी गहिरेर बसेको छ कि ऊ आफूलाई पहाडै पहाडको देश नेपालको छोरो भन्न रुचाउँछ। दर्शकवृन्द, जोरदार तालीले स्वागत गरौं हिन्दी सिने जगतका सुपरस्टार कलाकार बिरुजी उफ बीरबहादुर जीलाई। सिरको टोपी रानी हिम्मत छड्के सलाम मेरो, सिरको टोपी रानी हिम्मत छड्के सलाम मेरो, चिन्नु भोकी जान कसम, चिन्नु भोकी जान कसम, म पहाडको छोरो, पहाडको छोरो, हजुर छड्के सलाम मेरो, पहाडको छोरो, हजुर छड्के सलाम मेरो, सिरको टोपी रानी हिमाल छड्के सलाम मेरो।
को फेद मा बसी लेखे गीत पहिलो तेही छाड़े मन को मादल तेही छाड़े भैलो सको फेद मा बसी लेखे गीत पहिलो तेही छाड़े मन को मादल तेही छाड़े भैलो उस्ते होला गाउ घर उस्ते रोसी फेरो उस्ते होला गाउ घर उस्ते रोसी फेरो चिन्नु भो कि जान कसम ओ पहाड़ को छोरो हजुर छड़के सलाम मेरो पहाड़ को छोरो ए छड़के सलाम मेरो सिर को टोपी रानी हिमल छड़के सलाम मेरो चर्चन हिउँ को घोड़ा आँखों हो न अगलो मत मेरो सगर माथा न चढ़े नि अगलो अरु चर्चन हिउँ को घोड़ा आँखों हो न अगलो मत मेरो सगर माथा न चढ़े नि अगलो हिमाल को सेरो खेरो तारा सबै मेरो हिमाल को सेरो खेरो तारा सबै मेरो चिन्नु भो कि जान कसम म पहाड़ को छोरो हजुर छड़के सलाम मेरो पहाड़ को छोरो ए छड़के सलाम मेरो सिर को टोपी रानी हिमाल छड़के सलाम मेरो सिर को टोपी रानी हिमाल छड़के सलाम मेरो चिन्नु भो कि जान कसम चिन्नु भो कि जान कसम म पहाड़ को छोरो हजुर छड़के सलाम मेरो पहाड़ को छोरो ए छड़के सलाम मेरो पहाड़ को छोरो हजुर छड़के सलाम मेरो धन्यवाद दर्शकबिन अब तपाईहरुको समक्ष आउँदै हुनुहुन्छ दुई शब्द बोल्नको लागि वीर बहादुर जी धन्यवाद प्यारा दर्शकवृन्द मलाई यस रंगमञ्चमा आमन्त्रित गरेर मेरो हृदयको अन्तरस्थलमा उड़मड़ी रहेको मेरो देश नेपाल र नेपाली दाजुभाई दिदीबहिनीहरु प्रति प्रेम को श्रद्धा को भावना प्रकट गर्न पाउँदा म यो कार्यक्रम को आयोजक प्रति पनि कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु प्रिय दर्शकवृन्द काँस बाँस र कपास का समस्याले विदेशीता पनि हामी नेपाली हौं हाम्रो शरीरमा नेपाली को रगत बगेको छ र हाम्रो मुटुमा नेपाली राष्ट्रियता को ध्वनि गुन्जिरहेको छ र हामीले यो कार्यक्रम नेपाली को स्मृति में एउटा नेपालीपन को भावना जोगाउनको लागि आयोजना गरेका हौं अन्तमा स्वदेश तथा विदेश में छरिएका हाम्रा संपूर्ण नेपाली दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरू प्रति यो प्रजातन्त्र दिवस को पवनमय उपलक्ष्य में मेरो हृदयदेखिको मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै बिदा लिन चाहन्छु धन्यवाद बाबा मलाई बचाउनुस् ती गुण्डाहरू मेरो पीछा गरिरहेछन् ए लुक लुक छिटो लुक 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 ओइ क्या छौ ए बुड्ढे एक लड़की आई थी किधर गई ए लड़की उधर 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 ये कौन है तेरी माँ है मर्दा ए भाग नानी भाग भाग Thank you.
तिमी यस बेला परदेशमा एक्लै कहाँ गइरहेको दाई ती गुण्डाहरु मलाई बेच्न खोज्दै छ दाई ए लड़की को छोड़ दे और तू यहां से खिसक ले ए बोला ना तेरे को तेरा इधर नहीं चलेगा पर्दे पे दिखाना लड़की को हमारे हवाले कर दे भाई तुम्हारे नेपाली हो ए नेपाली हो या इंडियन तुमसे क्या मतलब हेरा भाई तिमी एउटा नेपाली म एउटा नेपाली रही बहिनी पनि नेपाली एउटा नेपालीले आफ्नो चेलीलाई यो विदेशी भूमिमा ल्याएर बेच्न सोच नेपालीहरू त्यस्तो हुँदैनन् उनीहरू त अर्काको छोरी चेलीलाई पनि इज्जत दिन्छन् जति आफ्नो आमालाई दिन्छन् जति आफ्नो मातृभूमिलाई दिन्छन् तिमीहरू यस्तो कुकर्म नगर भाइ ए तेरो लेक्चर बढी भयो यस केटीलाई हाम्रो जिम्मा लाउँछस् कि तेरो हात खुट्टा भाँच्दिउ एउटा नेपालीले आफ्नो चेलीलाई बेच्ने कुकर्म गर्न सक्छ भने अर्को नेपालीले उसलाई बचाएर धर्म पनि गर्न सक्छ र यो हात खुट्टा भाँच्ने कुरा त्यो त हेर्न बाँकी नै छ मेरी इज्जत बचाउनु भयो दाई बाबा बाबा दाई बाबाले पनि मलाई बचाउन खोज्नु भएको थियो दाई तर गुण्डाहरूले बाबालाई पिटे दाई बाबु तिमीले यो चेलीलाई बचाएर नेपालीको धर्म बचायो तिमीले ठुलो पुण्यको काम गर्यो बाबु बाबा तपाईँ पनि नेपाली हो बाबु आउनुहोस् मसित जाउँ म कहाँ जाउँ बाबु मेरो नाता गोता आफन्त भन्ने नि कोही छैन बाबा यस हालतमा परदेशमा बस्नुभन्दा स्वदेशमा बस्नु बेस बरु तपाईँलाई के समस्या पर्छ भने म फर्किने व्यवस्था गरिदिन्छु सोच्नु त मैले पनि त्यही सोचेको थिएँ तर त्यहाँ गएर के गर्ने आफ्नो माटो हो त्यहाँ तपाईँलाई कुनै दुःख हुँदैन बाबु मलाई स्वदेशको माया नभएको होइन म त्यहाँ बस्छु भनेर गएको थिएँ तर मलाई मेरो आफन्तहरूले पराय व्यवहार गर्यो म नेपाली भएर पनि मैले नेपाली नागरिकता पाइनँ म आफ्नो नागरिकता लिनु अफिस गएको थिएँ ल अन्सारी भाइ तपाईँको नागरिकता तयार भयो हेर्नुहोस् बल्ल बल्ल मिलाइ क्या रे हो र सर धन्यवाद यसो पसलतिर आउनुहोस् न बेलुकातिर भइहाल्छ नि क्या रे म त्यही भन्नेवाला थिएँ हेर्नुहोस् ढुङ्गावर माटो माटावर ढुङ्गो त भइहाल्छ नि ल ठिक छ होइन ए रामबहादुर आए सर के रे उहाँको नागरिकता तयार भयो त्यहाँ दर्ता लगाएर झ्याप्प छ भनेर उहाँलाई दिएर पठाइदे ल ठिक छ अनि यहाँको के पर्यो क्या रे साहेब मेरो नागरिकता ए अनि नाम चाहिँ के पर्यो नि गोपाल थापा गोपाल थापा बहुत दिन भयो थाएको अनि के टङ्ग उभिएर बस्नु भयो के अरे आएर टक्रक्क बस्नु नि त नि के अरे मिल्दैन छेउ टुप्पै मिल्दैन साहेब तपाईँले के कुरा गर्नुभयो म नेपाली भएर
अपने देश को नागरिकता पाउँदिन ना? यहाँ विदेशीहरूले पैसाले नागरिकता किन्छ। साहब मैले बहुत धाएँ, मेरो काम गरिदिनुहोस् साहब। ओ यही कारणले गर्दा तपाईँको काम नभएको बुझ्नुभयो? प्याट्ट प्याट्ट हिन्दी घुसाएर बोल्नुहुन्छ बिचबिचमा, अनि कसरी नेपाली भन्ने गाह्रो तपाईँलाई? जन्म त मेरो यही माटोमा भएको नि साहब। 10-20 वर्ष मुङलानमा काम गरेँ, फेरि फर्केँ, थोडा बहुत त भइहाल्छ नि साहब। नचाहिने कुरा नगर्नुहोस् क्यारे तपाईँ, मलाई थाहा छ नियम पुऱ्याएर ल्याउनेले त पाइहाल्छ नि क्यारे। नागरिकता पाउन त 3 पुस्ते प्रमाण चाहिन्छ, बुझ्नुभयो? हेर्नुहोस् तपाईँ यहाँ धेरै गन्थन नहर्नुहोस् क्यारे, तपाईँ खुरुक्क जानुहोस् क्यारे। साहेब यो रगत झुटो होइन, पूर्व 3 नम्बरको पानीले बनेको रगत हो, एउटा सच्चा नेपालीको रगत हो। यो रगतलाई तपाईँले झुटो भन्नु सक्नुहुन्न। होइन के हार्न खोजे हो तपाईँले यो अफिसमा आएर? यस्तो बौलठी पनि यहाँ चल्दैन, बुझ्नुभयो? क्यारे बौलठी पनि देखाउनु छ भने बाहिर गएर देखाउनु। यदि तपाईँ जानुहुन्न भने म तपाईँलाई कानुनी कारवाही गर्न सक्छु। म पनि नागरिकता लिएरै छाटो। क्यारे क्यारे अझ तपाईँ मलाई धम्की दिँदै हुनुहुन्छ? होइन तपाईँले मलाई के भन्नु भएको छ? म पनि नेपाली हुँ, नेपाली रामबहादुर, ए रामबहादुर हेर्नुहोस् म पनि गोठालो लाग्दा लाग्दा यो अफिसमा दायरी खाना आइन, बुझ्नुभयो? किन साहब? उहाँलाई बाहिर निकाल्दै छोड्नुहोस् मलाई। तपाईँले आफ्नो दाजुभाइको रगत चिन्नु भएन भने के गर्छ तपाईँको कानुनले? मलाई चाहिएन, मलाई यो देश चाहिएन, मलाई तपाईँको यो नागरिकता चाहिएन, चाहिएन मलाई यो नागरिकता। बाबु यसरी मलाई आफ्नै देशमा अनागरिक भनियो, मेरो मन भाँच्यो बाबु, भाँच्यो। म आफ्नै देशमा विदेशी भएर बस्नु सकिनँ बाबु, सकिनँ। त्यसैले म यहाँ फर्केर आएँ। बाबा अधिकार भन्ने कुरा मागेर होइन, खोसेर लिन सक्नुपर्छ। हुन त अहिले त्यो परिस्थिति छैन, देशमा 2-4 जना त्यस्ता गद्दार भए भन्दैमा सबैजना त्यस्तो हुँदैनन्। फेरि त्यसमाथि तपाईँले त विदेशमा बेचिन लागेको चेलीहरूको अस्तित्व जोगाएर नेपालीको भावनालाई जोगाउनु भएको छ। त्योभन्दा ठुलो नेपालीको पहिचान के हुन सक्छ? आउनुहोस् चिया पिउ, आउनुहोस् बस्नुहोस्। शङ्कर पनि म जस्तै यहाँ कामको खोजीमा आएको थियो, र कामको खोजीमा हामी दुई बीच परिचय भयो। भाग्यले मलाई साथ दियो, म यहाँ आइपुगेँ, तर उसको केही हुन सकेन, उसलाई मैले नै सहारा दिइरहेको छु। बाबु तपाईँ ज्यादै उपकारी हुनुहुँदो रहेछ। के गर्ने बाबा, परदेशमा नेपालीहरू भेट हुँदाखेरि आफ्नै जस्तो लाग्दो रहेछ। अब तपाईँ पनि आफ्नो देश फर्कनुहोस्, बरु लाग्ने खर्चको व्यवस्था म मिलाइदिन्छु, र यी बहिनीलाई पनि उसको घरसम्म पुर्याइदिनुहोस्। नाइ, नाइ दाई, म घर छोडेर हिँडिसकेँ केटी, फेरि गाउँ जाँदा मलाई समाजले के भन्छ? यो बदनामीको कालो अनुहार लिएर म गाउँ जान्न दाई, बरु बरु आत्महत्या गरेर मर्छु। यसरी कायरता नदेखाउ बहिनी, दोष तिम्रो होइन, दोष त्यो दानवको हो जसले तिमीलाई लोभ लालचमा फसाएर कोठीमा लगेर बेच्ने हिम्मत गर्यो। त्यो मान्छे होइन, मानव रूपी दानव हो। तिमी त्यहाँ गएर त्यस्ताको पर्दाफाश गर्नुपर्छ, र अरू चेली बेटीहरूलाई पनि सतर्क गराउनु पर्छ। हो तर कलङ्कको कालो टिका लगाएकी म जस्तोको कुरा कसले सुन्छ? कसले दिन्छ मलाई सहारा? कसले अपनाउँछ? म अपनाउँछु, म अपनाउँछु तिमीलाई। हो म जिन्दगीभर तिमीलाई साथ दिनेछु, सुख दुःख चाहे जे परे पनि हामी सँगै बाँडौला। शङ्कर आज तिम्रो यो उदारताले यो बहिनीको जीवनमा हरियाली छाएको छ। आज मैले आफ्नो लागि भाइ मात्रै होइन एउटा बुहारी पनि पाएको छु।
शंकर तिमी अब आफ्नो देश फर्क, त्यहाँ गएर केही उद्योग गर, पौरख गर, त्यसको लागि खर्च म जुटाइदिन्छु। दाई मात्र तपाईँको आशीर्वाद भए पुग्छ। छोरी बाबु दाईसित आशीर्वाद ल्याऊ। तिमीहरूको जिन्दगी फलोस फुलोस, यही छ मेरो आशीर्वाद। वीरू, इस तस्वीर के बारे में क्या राय है तुम्हारा? इसमें कौन सी खास बात है? मुझे तो ये कोई नई जोड़ी नजर आ रहा है। सिर्फ जोड़ी? और तुम्हें कुछ नजर नहीं आता है? आपको क्या नजर आ रहा है मैम साहब? मुझे तो कुछ और भी नजर आ रहे। बोलो। बताइए ना मैम साहब। उफ, फिर मैम साहब बोले। अरे आपको मैं नाम से कैसे बोल सकता हूँ? क्यों नहीं बुला सकता? मैं जैसी हूँ तुम भी वैसे हो। आज मेरी तरफ तुम्हारे पास धन दौलत नाम शौहरत सब कुछ है। वो बात नहीं है मैम साहब, आज मेरे पास जो कुछ भी है वो सब आपकी बदौलत है। तुम ऐसा क्यों सोचते हो? मैंने तो तुम्हें बस सहारा दिया था। आज तुम जो कुछ भी बने हो अपने बलबूते से बने हो, अपनी मेहनत से बने हो। नहीं मैम साहब, मैं इन बातों को नहीं मानता। मैं तो जिंदगी भर आपके एहसानों को नहीं भूल पाऊंगा। हाँ, आप कुछ कह रहे थे इस तस्वीर के बारे में? इस तस्वीर की नहीं, अपनी जिंदगी के बारे में। लेकिन हाँ, आज नहीं संडे बताऊंगी। चलो ठीक है। भौजू, दाई, दाई, किरण, तिमी यसरी अचानक आइपुग्छौ भनेर मैले कल्पना गरेको थिइन। खबर गरेको भए हामी एयरपोर्टमा लिन आइहाल्थ्यौँ नि। दाई, यो सब के हो? यो हाम्रो घर हो कि जुवाखाना? फेरि तपाईँहरू यति बिहानै पिउँदै हुनुहुन्छ? दाई भाउजू कहाँ हुनुहुन्छ? उनीहरू अब यहाँ बस्दैनन्। यहाँ बस्नुहुन्न? कहाँ बस्नुहुन्छ उहाँहरू? हामीलाई थाहा छैन। दाईले घर छोडेर जानुभएको धेरै भइसक्यो। धेरै भइसक्यो? किन छोड्नु भयो दाजु भाउजूले यो घर? अनि घरमा यस्तो हुँदा नि मलाई किन खबर गर्नु भएन? हामीले निकालिदिउँ। यो के भन्नुभयो? यो के गर्नुभयो दाई तपाईँहरूले? त्यो देउता जस्तो मान्छेलाई आफ्नै घरबाट निकाल्नु भयो, जसले रगत पसिना एक गरेर हामीहरूलाई हुर्कायो बढायो। तपाईँहरूले ठुलो कुकर्म गर्नु दाई, ठुलो कुकर्म गर्नुभयो। अनि बिरु कहाँ छ नि? बिरु? बिरु हामीलाई थाहा छैन, ऊ कहाँ छ? किरण, कहाँ जान्छौ तिमी? उनीहरूको लागि यो घरको ढोका बन्द भए पनि तिम्रो लागि सधैँ खुला रहनेछ, र तिमी यही बस्नुपर्छ। घर? तपाईँ यसलाई घर भन्दै हुनुहुन्छ? यो घर होइन, यो त मन्दिर थियो, मन्दिर। जति बेला ती देवताहरू यहाँ बस्थे, अब त यो मुर्दा घर भन्दा केही फरक छैन। र मुर्दा घरमा मरेका मान्छेहरू मात्र बस्छन्, जिउँदा मान्छेहरू बस्दैनन्। अच्छा मैम साहब, आप उस दिन मुझे क्या कहना चाह रही थी बताइए। अभी नहीं, पहले कॉफी फिर उसके बाद। ठीक है, मैं आपको कॉफी पिलाता हूँ। नहीं नहीं, आज मैं अपने हाथों से बना के पिलाऊंगी। ठीक है, बनाइए। Thank you.
मलाई त विश्वास लागिरहेको छैन किरण, हाम्रो यसरी भेट हुन्छ भनेर। म आज धेरै खुसी छु किरण। तर म तिमी देखि खुसी छैन। तिमीले मलाई चटक्कै बिर्सिदेऊ। म कहाँ छु, के गर्दैछु सबै कुरा थाहा पाएर पनि तिमीले मेरो खोजी गरेनौ किन बिरु? किन? जति बेला म तिमीलाई खोजी गर्न चाहन्थे त्यति बेला मसित पैसै भएन, र जुन बेला मसित नाम दाम इज्जत सबै चिज भयो त्यति बेला मसित समय नै भएन। म अत्यन्त व्यस्त भएँ किरण, मलाई माफ गरिदेऊ। बिरु, तिमी यो सुट लगाऊ त। बाफ रे बाफ, मैले सुट लगाउने? यो त सुनिल साहबको, थाहा पाउनु भयो भने गाली गर्नुहुन्छ। प्लिज बिरु, लगाउनु भनेको। रिसाउनलाई त पहिला थाहा पाउनु पर्यो। सुनिल दाई अलि कलेज जानु भएको छ। प्लिज बिरु, म तिमीलाई एकदम मोडर्न भएको हेर्न चाहन्छु। प्लिज लगाउ न। अहिले रहन दिनुहोस् मेम साहब, भाग्यले साथ दियो भने एक दिन तपाईँ मलाई आफ्नै सुटमा हेर्न पाउनुहुनेछ। म तिमीलाई त्यो देवीसँग भेटाउँछु जसले मलाई यहाँसम्म पुग्न मद्दत गर्यो। आऊ। सोनिया मेम साहब, क्या हो गया? जिसके लिए तूने अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी वो तो आज किसी और का निकला। अब तू जी की क्या करेगी? क्या करेगी? दाई बिरु, तिमी बिरु साहब, तपाईले पनि मलाई पराई ठान्नु भयो। यत्रो ठुलो दुर्घटना, यो हालत भएर पनि मलाई खबर गर्नु भएन। बिरु, मैले पछि थाहा पाए तिमी जस्तो निष्कलङ्कलाई मेरा दुष्ट भाइहरूले षड्यन्त्रको शिकार बनाएको रहेछ। तिमी त्यो घरबाट निकालिएको महिना दिन नपुग्दै म माथि अर्को षड्यन्त्र रचे। मेरो स्वाभिमानमा ठुलो चोट लाग्यो। मेरो रगत र पसिनाले सिन्चिएको त्यो घर, त्यो फ्याक्ट्री सबै मैले छोड्नु पर्यो भाइ। मेरो यो स्थितिमा म कसरी तिमीलाई? साहब, मलाई थाहा छ तपाईँ यो स्थितिमा बस्नु भएको मेरै कारणले हो। राजा, यसरी यस स्थितिमा तपाईँहरूको सामने उभिन सक्नु तपाईँहरूकै आशीर्वादले हो। एउटा अनपढ गाउँले केटो, यो बिरानो प्रदेशमा के नै गर्न सक्थे र? यो सब तपाईँकै श्रेय हो, तपाईँकै आशीर्वाद हो साहब। तपाईँकै श्रेय हो साहब। अब मैले मेरो आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्ने मौका पाउनुपर्छ। साहब, म कहाँ गएर बसौ? म तपाईँलाई केही कुराको पनि कमी हुन दिन्न। जाउँ हिँड्नु साहब, म कहाँ जाउँ?
मेरो भाई तिमी कति पनि बदलेको रहेनछौ। यसलाई अनर्थ नलिनु साहब, पहिले तपाईहरुकै सहारामा म बसेको थिएँ। बिरु बाहर निकलो, बाहर कहाँ छुपाए, बाहर निकलो। अरे भटनागर साहब आप ऊपर आइए ना। मेरे पास वक्त नहीं है, तुमसे एक सवाल पूछने आया हूं। अरे भटनागर साहब आप बहुत टेंशन में लगते हैं, आइए ना आराम से बैठ के बात करें। मैं यहां बैठने के लिए नहीं, तुमसे एक सवाल पूछने आया हूं। उस बेचारे ने क्या गुनाह किया था जो तुमने इतनी बड़ी सजा दी? आप किसके बारे में बात कर रहे हैं सर? अरे मैं उसकी बात कर रहा हूं जिसने तुम्हें ये जिंदगी दी है। आप सोनिया मैम साहब की बात कर रहे हैं? हाँ हाँ मैं उसी की बात कर रहा हूँ। न जाने तूने क्या कर दिया, न खाती है न पीती है न सोती है, रात दिन शराब के नशे में डूबी रहती है। क्या मैम साहब शराब भी पीती है? पीती नहीं थी, पीने लगी है तुम्हारी बेवफाई की वजह से। मेरी बेवफाई की वजह से? हाँ, सोनिया तुमसे प्यार करती है। प्यार? मैम साहब उससे प्यार करती है? ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अरे अरे मेम साहब तो मेरे लिए देवी समान है। अरे मूर्ख, तुम्हें स्टार बनाने के लिए उसने क्या क्या नहीं किया। तुम्हें हीरो बनाने के लिए उसने अपनी इज्जत प्रोड्यूसरों के साथ लुटाई। बस 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 पटनागर साहब, मेम साहब ने मेरे लिए इतनी बड़ी, अरे मेम साहब ये आपने क्या कर दिया। मेम साहब ये आपको क्या हो गया? मेम साहब मैं आ गया हूँ। मेम साहब आंखें तो खोलिए। वीरू ये आपने क्या कर दिया, इतनी बड़ी कुर्बानी मेरे लिए, बस एक बार मुझसे कह दिया होता मैं तो किसी और का। बस वीरू बस, मैंने सब देख चुकी हूँ, सब सुन चुकी हूँ। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, इसमें सारे दोष मेरे हैं। खैर कोई बात नहीं वीरू, मैंने तुम्हें प्यार किया है और करती रहूंगी। इस तरह में तुम किसी और के होगे, लेकिन यकीन है मैं तुम्हारा मेम साहब इंतजार करूंगी। मेम साहब तपाईं के भन्दै हुनुहुन्छ? हो दाई, म यहाँको जिन्दगी देखि अगाए म आफ्नो देश फर्कन चाहन्छु। तर तपाईँको यहाँ नाम छ, पैसा छ, इज्जत छ, यो सब छोडेर जाने भन्दै हुनुहुन्छ किन? हो दाई, मैले यहाँ नाम र दाम थुप्रै कमाएँ तर मानसिक शान्ति गुमाएँ। अब म आफ्नो देश फर्कन चाहन्छु, त्यहाँ गएर कुनै ठोस काम गर्न चाहन्छु। यसरी म यहाँ एक पल पनि बस्न सक्दिनँ।
राजा म तपाईलाई मेरो सम्पत्तिको सम्पूर्ण अधिकार सम्पिदेछु लिनुस दुवाई साहब यो तपाई दाई तपाईहरुको काखबाट अमूल्य मोती यति टाडा लिएर जाँदैछु भने यो शब्द के हो र जुन कर्तव्य तपाईहरुले पहिला पूरा गर्नुभयो आज म मेरो कर्तव्य पूरा गर्न चाहन्छु प्लीज सिट डाउन सबसे पहले तो हमारे कहने से जो आप लोग यहां आए हैं उसके लिए मैं आप लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं थैंक यू वेरी मच वीरू जी सुनने में आया है कि आप संन्यास ले रहे हैं नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है ऊपर वाले की दुआ से पॉपुलैरिटी मैंने काफी कमाया यहां के लोग मेरी पिक्चर देखने के लिए टूट पड़ते हैं मुझे प्यार करते हैं भला मुझे पब्लिसिटी की क्या जरूरत तो आप अपने फैंस के इस तरह दुखी करना चाहते हैं वैसे दुख तो मैं किसी को पहुंचाना नहीं चाहता हूं वैसे भी सुख दुख तो ऊपर वाले के हाथ में है और दुख तो मुझे भी हो रहा है कि मैं इतना अच्छा फिल्म इंडस्ट्री छोड़ के जा रहा हूं इतने प्यारे फैंस को छोड़ के जा रहा हूं दुखी तो मैं भी हूं अच्छा आपने जाने का फैसला कर लिया है तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं प्लीज पूछे ना आप एक विदेशी होकर हमारे देश में आए बहुत कम समय में आपने बहुत ज्यादा नाम और इज्जत कमाए आप हमारे देश और जनता के बारे में क्या राय रखते हैं हिंदुस्तान वाकई में एक महान मुल्क है और यहां के लोग बहुत सज्जन और प्यारे हैं इस मुल्क ने जो मुझे नाम दिया है शौहरत दिया है इज्जत दिया है एक पहचान दिया है उसके लिए मैं सदा आभार रहूंगा और यहां के लोग खासकर कर मेरे फैंस जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया है उनके ऊपर भी मैं सदा आभार रहूंगा और जाने से पहले मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि इस मुल्क को और इस मुल्क की जनता को और खास करके मेरे फैंस को मेरा प्यार भरा नमस्कार हिंदुस्तान को मेरा सलाम सलाम तो आप हम तुम्हें करेंगे तुमने हमारा बहुत नुकसान किया अब इसी वक्त वसूल करूंगा अब देखता हूं तुम नेपाल में कैसे पहुंचोगे तपाईं कति भाग्यमानी हुनुहुन्छ आज आफ्नो स्वदेश फर्कदै हुनुहुन्छ आफ्नो स्वदेशको सेवा नै आवश्यक ठान्नुभयो मेरी बहिनी कति भाग्यमानी रहेछ आज पुर्खाको माटो टेक्दैछ त्यसैले म मेरो बहिनी तपाईंको हातमा सुम्पिदैछु जय साहब मैले यसलाई प्यारले आँखाको नालीमा राखेको थिएँ यसलाई भरपूर माया दिनु होला भरपूर माया दिनु होला तपाईहरुको नासो मेरो जीवन हो म आफ्नो मातृभूमि नेपाल पुगे पनि तपाईहरुको उपकार तपाईहरुको विगतमा दिनु भएको ऋणहरु र तपाईहरुलाई म कहिले पनि बिर्सन सक्दिन नानी नेपाल पुग्नेबित्तिकै फोन गर्नुस् है हुन्छ भौजु अब हाम्रो एयरपोर्टको बेला भयो त्यहाँ हाम्रो साथीहरू र प्रशंसकहरू कुरिरहेका होलान् हस्त नमस्ते
बोल, तेरा सुनील और रागिनी कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। मुझे जैसे भी रागिनी चाहिए। तूने मेरा सब कुछ लूट लिया, और क्या चाहिए? चेरा बहनी। के सब बंदूकें फेंक दो, नहीं तो तुम्हारी बॉस की गर्दन इस नेपाली खुकरी से मूली की तरह काट दूंगा। ए, देखते क्या हो, मार डालो इसको। को छोड़ दो, नहीं तो मैं इन दोनों को गोली से उड़ा दूंगा। गुड माय चाइल्ड। नीलो सरदार सुनील, वो ससुरी रागिनी तो भाग गई।
के बहादुर हो। मलाई माफ कर दिनुस् दाई, देउता जस्तो दाजु भोजुमाथि षड्यन्त्र रचे, जसको साथ लिएर दाजु भोजुलाई अपमानित गरेर घरबाट निकालिदियो। आज त्यसैले हामीलाई घरको घाटको बनायो। जे भयो भयो दाई, यो अज्ञानी भाइलाई माफ गरिदिनुस्, माफ गरिदिनुस्। यो कदापि हुन सक्दैन। तिमीहरूले गर्दा नै मेरो मुटु छ्या छ्या भइसक्यो। आज यो स्थितिमा पुर्याउने पनि तिमीहरू नै हो। त्यसैले म कदापि माफ गर्न सक्दिनँ तिमीहरूलाई। त्यसरी भन्नुहोस् दाई, आमा भने पनि बुवा भने पनि तपाईँ हुनुहुन्छ। अबदेखि जिन्दगीमा हामीबाट यस्तो गल्ती कदापि हुने छैन। बिरु दाई, मलाई माफ गरिदिनुहोस्। तपाईँ महान हुनुहुन्छ। रागिनीको झुटो षड्यन्त्र रचेर तपाईँलाई घरबाट निकाले, आज आएर आफूले खनेको खाल्टोमा आफै परे, आज पश्चातापको ज्वालामा जलिरहेको छु। मलाई माफ गरिदिनुहोस्, माफ गरिदिनुहोस्। तपाईँहरूले पछि पछुताउनु पर्छ भनेर मैले त पहिला नै भनेको थिएँ। तपाईँहरूको कारणले गर्दा हामी भोक भोकै सडकमा भौतारेर हिँड्नु पर्यो। आज फेरि कुन मुखले तपाईँहरू हामीसँग माफी माग्दै हुनुहुन्छ? दाई, भाउजू, नगर्नु गल्ती त गरिहाले, अब उनीहरूलाई माफ गरिदिनुहोस्। हामी फेरि आज नेपाल फर्कँदैछौँ। जानुभन्दा अगाडि हाम्रो परिवार फेरि पहिलेको जस्तै स्वर्ग जस्तै सुन्दर भएको हेर्न चाहन्छौँ। आफ्नो गल्ती स्वीकार्नु नै महानता हो। यिनीहरूलाई माफ गरिदिनुहोस् दाई। अब हामी जान्छौँ। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छु बाबु। तपाईँको बुहारी। नमस्ते। लो नानी, बरीलाई माला लगाइदिउँ। ए, धन्यवाद। बाबा, म त आफ्नै आमाको काखमा फर्केँ। यो जन्मभूमिमा टेक्दा स्वर्गमा टेकेको जस्तो आनन्द आउँछ। हो बाबु, अरूको लाख आमाको काख, साग र सिस्नु खाएर भए पनि आफ्नै ठाउँ राम्रो हुन्छ। हो बाबा, म पनि यही सम्झेर आएको हुँ। बहादुरका यी पौरखी हातहरू अब यही माटोको लागि समर्पित हुन्छन्।